अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सितंबर 2020 के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने इस लेक्चर की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और पीडीएफ का पासवर्ड मैं आगे चल कर आपको किसी स्लाइड पर बताऊँगा। पासवर्ड को मैंने तीन हिस्सों में तकसीम किया है, तो चलिए क्वेश्चंस का आवाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर यूएई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड पीस डील बिटवीन इसराइल एंड यूएई के बाद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किन के दरमियान पीस डील अनाउंस की है? ऑप्शन ओमान, बी ईरान, सी बहरेन, डी नन ऑफ दीस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बहरेन। Bahrain is the second Arab country to make peace deal with Israel in 30 days on 11 September 2020. 11 सितंबर 2020 को बहरेन अरब की वो सेकंड कंट्री है जिसने इनके साथ पीस डील की है। साइनिंग सेरेमनी कब हुई थी, कहां पर? व्हाइट हाउस में, 15 सितंबर 2020 को। और अब तक चार अरब कंट्रीज़ ने मिडिल ईस्ट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। कौन सी हैं वो चार? इजिप्ट, मिस्र ने 1979 को इनके साथ इस्टेब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अर्दन ने 1994 और यूएई और बहरेन ने 2020 में। ऑन 15 सितंबर को जो साइनिंग सेरेमनी थी उस पर किस किस ने दस्तखत किए थे? अब्राहम अकॉर्ड पर किसने साइन किया? इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, बहरेन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जैद एंड इमारती FM शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल निहान एंड US प्रेसिडेंट हैं। इन लोगों ने साइनिंग सेरेमनी में इस अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किए थे। अंडर पीस डील दे विल एस्टेब्लिश एम्बेसीज, एक्सचेंज एम्बेसिडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर किन को अपॉइंट किया गया है, किन को इलेक्ट किया गया है? ए शिंजो एबे, बी तारू आइसू, सी योशी हैडी शुगा, या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन सी, योशी हैडी शुगा को जापान का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। कब इलेक्ट किया गया? 16 सितंबर 2020 को। इसने कितने वोट हासिल किए? 377 आउट ऑफ 534, 534 वोट से। प्रीवियसली शुगा क्या थे? वाज सर्विंग एज चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी। इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? लॉन्ग सर्विंग शिंजो एबे को, और शिंजो एबे ने 18 अगस्त 2020 को रिजाइन दिया। क्यों? ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। और शिंजो एबे 8 साल तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। यहाँ पर मैंने जापान और चाइना के कैपिटल और करेंसीज इसीलिए लिखे हैं क्योंकि येन और योन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जापान की कैपिटल का नाम टोक्यो है और इसकी करेंसी जापानीज येन है। चाइना की कैपिटल का नाम बीजिंग जबकि इसकी करेंसी योन या रेनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। किस मुल्क ने ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है? ऑप्शन सी सिंगापुर, बी हांगकांग, सी स्विट्जरलैंड, या डी नन ऑफ दीस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हांगकांग। हांगकांग टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स येट अगेन, दोबारा इसने इसको टॉप किया है। सेकेंड पर सिंगापुर है, थर्ड पर न्यूजीलैंड, और ये रैंक दी रैंकिंग आर बेस्ड ऑन 2018 डेटा। और पासवर्ड पार्ट वन क्या है? प्रे। याद रखें कि पासवर्ड एंटर करते वक्त आपने तमाम लेटर्स को छोटा करके लिखना है और इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021। 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नीचे दिए हुए लीडर्स में से किन को नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है, डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो एबे, यी जिनपिंग, या डी नन ऑफ दीस। तो किन को नॉमिनेट किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021। क्यों इनको नॉमिनेट किया गया है? फॉर हिज एफर्ट्स ऑन ब्रोकिंग द हिस्टोरिकल इसराइल पीस डील। इनकी नॉमिनेशन किसने सबमिट की है? टाइब्रिंग जेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड न्यू आईजी ऑफ पंजाब। न्यू आईजी ऑफ पंजाब किन को अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन शोएब दस्तगीर, बी उमर शेख, सी इनाम गनी, या डी नन ऑफ दीस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनाम गनी।
पंजाब गवर्नमेंट रिमूव शोएब दस्तगीर, शोएब दस्तगीर को इन्होंने रिमूव किया है और अपॉइंट किया है किनको, इनाम गनी को, जो बीपीएस 21 के ऑफिसर हैं पीएसपी। कब इनको अपॉइंट किया गया है, 8 सितंबर 2020 को, और ये पांचवें ऑफिसर हैं टू बी आस्क टू रिलिंक्विश द ऑफिस एंड पीटीआई टुक द रैन। और ये गनी छठे आईजी हैं 2 सालों के दरमियान जब से पीटीआई हुकूमत में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल नाउ हाउ मेनी अरब कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। क्वेश्चन कह रहा है, अब तक कितने अरब, मिडिल ईस्ट में कितने अरब कंट्रीज ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। ऑप्शन 5 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, 3 कंट्रीज या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 4 कंट्रीज, 4 ममालिक ने इनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। कौन से हैं वो ममालिक, इजिप्ट ने 1979 को इनके साथ ताल्लुकात बहाल किए, अर्दन ने 1994 को, यूएई और बहरीन ने 2020 को। यूएई के कैपिटल, ये तीनों चारों कंट्रीज़ के भी मैं कैपिटल और गंसीज बताऊंगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में। यूएई के कैपिटल का नाम अबू जहबी, इसकी करेंसी दरहम, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, करेंसी इजिप्शियन पाउंड, अर्दन के कैपिटल अमान और इसकी करेंसी अर्दनियन दीनार, बहरीन की कैपिटल का नाम मनामा है और इसकी करेंसी बहरीनी दीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड सेनेटर फ्रॉम बलूचिस्तान इन अ सेनेट बाय इलेक्शंस। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में बलूचिस्तान से कौन सा सेनेटर इलेक्ट हुआ है, ए मीर कामिल बिजनजो, बी मोहम्मद खालिद बिजनजो, सी मुनीर खालिद अक्रम या डी नन ऑफ दीज। तो कौन इलेक्ट हुआ है, मोहम्मद खालिद बिजनजो। कब इलेक्ट हुआ, 12 सितंबर 2020 को। इसने कितने वोट सिक्योर किए, 38 आउट ऑफ 61 एंड ही विल रिमेन एज अ मेंबर ऑफ सेनेट अंटिल मार्च 2021। और ये सीट कब खाली हुई थी, जब नेशनल पार्टी के फाउंडर मीर हासिल खान बिजनजो की डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन ट्रायल्स रिज्यूम्ड इन यूनाइटेड किंगडम्स आफ्टर टेम्पररी हाल्ट ऑन। AstraZeneca COVID-19 की जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में कब यानी वो रिज्यूम हुए हैं। ऑप्शन 9 सितंबर, 6 सितंबर, 12 सितंबर या डी नन ऑफ दीज। तो कब रिज्यूम हुए हैं ये, 12 सितंबर को। और ये पहले हाल्ट कब हुए थे, कब इनको रोका गया था, 9 सितंबर को। क्यों रोका गया, क्योंकि आफ्टर अ पार्टिसिपेंट फेल इन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वीसी ऑफ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के पहले वीसी किन को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन प्रोफेसर अरशद सुल्तान, प्रोफेसर जाज असलम, सी प्रोफेसर असगर जैदी या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन प्रोफेसर असगर जैदी। प्रोफेसर असगर जैदी जो वीसी ऑफ जीसीयू लाहौर, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का अपॉइंट, 12 सितंबर को इनको अपॉइंट किया गया है। और याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 28 अक्टूबर 2019 को इस यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखी थी जो बाबा गुरु नानक का बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी कंट्रीज हु कंडेम्ड बहरीन इसराइल अकॉर्ड। बहरीन इसराइल के दरमियान जो पीस डील हुई है उसको किन ममालिक ने कंडेम किया है। ऑप्शन ईरान एंड अफगानिस्तान, यूएसए एंड फ्रांस, तुर्की एंड ईरान या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन तुर्की एंड ईरान ने इनको कंडेम किया है। तुर्की एंड ईरान कंडेम्ड द अकॉर्ड ऑन 13 सितंबर 2020। तुर्की ने क्यों इसको किया है, तुर्की डिस्क्राइब द यूएस ब्रोकर डील एज फ्रेश ब्लो टू द पैलेस्टाइनियन काज, जबकि ईरान ने एक्यूज किया है बहरीन को ऑफ स्टिरिंग इन स्टेबिलिटी इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फॉरम। कौन सी सिटी होस्ट करेगी, अबू जहबी, पेराग, हेनोई या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज हेनोई। 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फॉरम इज शेड्यूल टू होल्ड ऑन 28 to 29 अक्टूबर 2020। 28 से 29 अक्टूबर को ये 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फॉरम होगी। और वियतनाम का कैपिटल हेनोई है, इसकी करेंसी वियतनामीज डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली कट ट्रूप्स फ्रॉम इराक टू स्टॉप एंडलेस वार। कौन सा मुल्क है जिसने ये कट किए ट्रूप्स को अपने, ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी जर्मनी, सी सऊदी अरबिया या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ने।
कब अनाउंस किया ये शार्प कट, कब अनाउंस किया 9 सितंबर को अमेरिका ने अपने 5,200 मिलिट्री पर्सनल को 3,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कैनसाइनो ऑफ द कोविड 19 वैक्सीन हैव बिगन इन पाकिस्तान ऑन कैनसाइनो ऑफ कोविड 19 की जो वैक्सीन ट्रायल्स हैं इनका फेज 3 पाकिस्तान में कब शुरू हुआ है? ऑप्शन 22 सितंबर, 18 सितंबर, 16 सितंबर या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज 22 सितंबर को। पाकिस्तान हैज लॉन्च द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर पोटेंशियल कोविड 19 वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय चाइनीज कंपनी और इसमें 8,000 से 10,000 पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रायल्स में और वैक्सीन को कौन बना रहा है? चाइनाज कैनसाइनो बायोलॉजिक्स। इसके ट्रायल्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 वर हेल्ड इन चाइना। पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिलीजियस स्कॉलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिलीजियस स्कॉलर हु पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन कराची। दिल का दौरा पड़ने की वजह से कौन सा रिलीजियस स्कॉलर कराची में इंतकाल कर गए? ऑप्शन अलामा मोहम्मद जुबैर नकवी, अलामा जमीर अख्तर नकवी या अलामा जुहैब नकवी। करेक्ट ऑप्शन अलामा जमीर अख्तर नकवी। कब? 13 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट द US ओपन। किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवियर या बी डोमिनिक थियम, सी राइफल नेडल या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पाकिस्तानी अमेरिकन हु हैज बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट। उस पाकिस्तानी अमेरिकन का नाम बताएं जो फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में जिनका नाम दाखिल किया गया है शामिल हुआ है। ऑप्शन ए अख्तर महमूद, बी शाहिद खान, सी आसिफ अजीम या डी नन ऑफ दीज। तो कौन है वो? शाहिद खान। 66 रिचेस्ट मैन इन द US इन 2020। इनकी टोटल वर्थ 7.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है जबकि अमेजोन के फाउंडर सीईओ अमेजोन के सीईओ एंड फाउंडर जेफ बेजोस पहले नंबर पर हैं 179 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। सेकंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स हैं 111 बिलियन। थर्ड फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं 85 बिलियन। और ये फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 400 रिचेस्ट मैन पब्लिश्ड ऑन 8 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अफगान पीस टॉक्स बिगिन अमिड कॉल्स फॉर सीज फायर। फिर सीज फायर के लिए अफगान पीस टॉक्स कब शुरू हुए? ऑप्शन ए 12 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर या डी नन ऑफ दीज। तो कब ये शुरू हुए? 12 सितंबर को। और इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? चेयरमैन ऑफ अफगानिस्तान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तालिबान डेलीगेशन लीडर मुला अब्दुल गनी बरदार, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी ने इसको अटेंड किया वाइवा वीडियो लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन। कब इसका संगे बुनियाद रखा रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ऑप्शन 13 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना एंड देश हैव बीन इनवाइटेड टू रशिया वार गेम्स। चाइना और किस मुल्क को रशिया वार गेम्स के लिए इन्वाइट किया गया है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बहरीन या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान। रशिया ने 11 सितंबर 2020 को कहा है कि दे वुड स्टेज मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स इन दी कोकेसस, मोर देन 12,000 ट्रूप्स विल पार्टिसिपेट एंड विल टेक प्लेस इन सदर्न रशिया फ्रॉम 21 सितंबर टू 26 सितंबर 2020 एंड दीज ड्रिल्स आर नॉट अगेंस्ट अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द US ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट। किसने जीता है? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए नियोमी ओसाका ने 12 सितंबर 2020 को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल एहसान, ईसाला वेराकून, सी अर्जुन बहादुर थापा या डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बी ईसाला वेराकून।
ये क्या श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं? और अगर हम सार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका सार्क काठमांडू नेपाल में है। ये फाउंड 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसके मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी कोरोना वायरस मे बी कैपेबल ऑफ डायरेक्टली इन्वेडिंग विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी ऑन 9 सितंबर 2020, the study noted that headache, confusion, delirium experienced by some of the COVID-19 patients may be result of the same. Next question hai, the United States had revoked visas of more than 1000 students belonging to which nation? America ne kis mulk ke 1000 students ke visas ko revoke kiya hai? Option Pakistan, Russia, China, D, none of these. Correct option is China. USA has revoked the visas of over 1,000 Chinese students and researchers, deeming them to be security risk. Unko security risk kaha hai. Trump administration claimed Chinese students come to steal intellectual property to advance China's economic and military sectors. Next question hai, India reached a 5-point consensus after talks with which nation? Kis mulk ke saath? Correct option is China. India and China reached a 5-point consensus regarding ongoing border standoff on the line of actual control. Both countries' foreign minister met kab mile the? 10 September 2020 ko on the sideline of SEO. Puzzle part 3 kya hai? My success 99. Aur India ke foreign minister ka naam kya hai? S. Jaishankar. Aur jabki Chinese ke foreign minister Yang Yi. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्रोविंस हैज अप्रूव्ड बैन ऑन बॉन्डेड लेबर? कौन सा सूबा है वो? बलूचिस्तान। कब ये किया? 9 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड रोशन डिजिटल अकाउंट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज? ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए किसने रोशन डिजिटल अकाउंट्स को इनॉग्रेट किया है? ऑप्शन हमारे पास है सीएम पंजाब, गवर्नर स्टेट बैंक या सी प्राइम मिनिस्टर। तो किसने ये इनोग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर ने 10 सितंबर को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू लॉन्च द रोशन डिजिटल अकाउंट इन कोलैबोरेशन विद कमर्शियल बैंक्स। द इनिशिएटिव इनेबल द ओवरसीज पाकिस्तानीज टू ओपन अकाउंट्स इन एनी बैंक ऑफ द कंट्री एंड पेइंग यूटिलिटी बिल्स एटसेट्रा एंड दे विल बी एबल टू ओपन एन अकाउंट विदाउट विजिटिंग बैंक्स, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट। Thanks for watching my lecture. Please like and subscribe to my YouTube channel, Pray for Exams.